नमस्कार, आप देख रहे हो टीबीएन न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते आज की 10 बड़ी खबरों के बारे में। जी हाँ, यहाँ पर दिन भर की 10 बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है। वही खबरों की बात करें तो यहाँ पर सोने और चांदी को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर 7 साल में पहली बार सोने और चांदी में इतना बड़ा बदलाव देखने को मिला है। और इसी के साथ में यहाँ पर बीजेपी के नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो इन सारी 10 बड़ी खबरों को जान लेते हैं। कोरोना वायरस असर, सीबीएसई के क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के सभी बच्चे होंगे प्रमोट। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बुधवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को देश में कोरोना वायरस महामारी के कारण पैदा हालात के कारण कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के सभी छात्र छात्राओं को अगली कक्षा में प्रमोट करने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के कारण मौजूदा हालात के मद्देनजर मैंने सीबीएसई को कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्र छात्राओं को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्र छात्राओं को स्कूलों में अब तक हुए मूल्यांकन के आधार पर पास किया जाएगा। इस बार पास नहीं हुए छात्र स्कूल स्तर पर ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। लॉकडाउन के बाद पलायन को लेकर केंद्र सख्त, कहा सील करे राज्यों और जिलों की सीमाएं। लॉकडाउन के बाद पलायन की स्थिति पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन का पालन करवाना डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एसपी की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार की तरफ से आदेश दिया गया है कि सभी राज्यों और जिलों की सीमाएं सील कर दी जाएं और बाहर से आने वाले लोगों को सीमाओं पर ही कैंपों में रखा जाए। केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि दूसरे राज्यों के मजदूरों के रहने का इंतजाम किया जाए और उनको समय से पैसे भी दिए जाएं। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आदेश नहीं मानने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कहा है शहरों से लोगों को हाईवे पर आने से रोका जाए। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन का फैसला किया, लेकिन शहरों से लोगों के पलायन के चलते यह लॉकडाउन फेल होता दिख रहा है, इसलिए सरकार ने कड़े फैसले किए हैं। कोरोना वायरस को लेकर भारत की वैश्विक तैयारी, दुनिया भर के देशों से इकट्ठा किया जा रहा डेटा। विदेश मंत्रालय ने कोरोना वायरस डेटा सेंटर की स्थापना की है। इसमें दुनिया भर के देशों का कोरोना से संबंधित डेटा इकट्ठा किया जा रहा है और इसी के आधार पर कोरोना से लड़ने की रणनीति बनाई जा रही है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस डाटा सेंटर से कोरोना वायरस के खिलाफ रोड मैप तैयार करने में बड़ी मदद मिल रही है। विदेश मंत्रालय ने कोरोना वायरस नाम से अलग से सेल का गठन किया है। इसमें 75 अधिकारी काम कर रहे हैं जो विदेशों के साथ कोरोना से संबंधित मामलों में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। भारत में प्रधानमंत्री केयर फंड में विदेशों से भी डोनेशन स्वीकार करने का फैसला किया है। दुनिया भर में फैले अभियानों के जरिए भारत कोरोना के लिए जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स की जरूरत है वह युद्ध स्तर पर पूरी की जा रही है। बड़े पैमाने पर ये चीजें खरीद भी रहे हैं और जो मदद के तौर पर भेज रहा है उसको भी स्वीकार कर रहे हैं। इसमें पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स यानी पीपीई, वेंटिलेटर जैसी जरूरत की चीजें लाई जा रही हैं। भारत कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बड़ी खुशखबरी, इतने रुपए तक सस्ता हुआ एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर, फटाफट चेक करें नई कीमत। महीने की 1 तारीख यानी कि 1 अप्रैल 2020 पर भारत के हर एक नागरिक के लिए बड़ी खुशखबरी है। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। 14 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडरी एलपीजी सिलेंडर के दाम दिल्ली में 61 रुपये प्रति सिलेंडर सस्ते हुए हैं। अब नई कीमतें घटकर 744 रुपये हो चुकी है। आपको बता दें कि सरकार ने 31 मार्च को देश में उत्पादित नेचुरल गैस के दाम घटाने का ऐलान किया है। कीमतों में 26% की बड़ी कटौती की गई है। नेचुरल गैस के दाम घटने से पाइप के जरिए घरों तक पहुंचाई जाने वाली गैस पीएन गैस के दाम भी कम होंगे, लेकिन इससे ओएनजीसी जैसी गैस उत्पादक कंपनियों के राजस्व में भारी कमी आने की आशंका है। यहाँ पर आपको एलपीजी गैस सिलेंडर के भाव दिए गए हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में हुई इतनी मौतें, 1700 के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से एक दिन में 7 लोगों की मौत होने के बाद महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। वहीं पाकिस्तान में अब तक कुल 1775 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के कुल 1775 मामलों में से पंजाब प्रांत में सबसे अधिक 651 मामले सामने आए हैं। इसके बाद सिंध में 566 लोगों के COVID-19 से संक्रमित मामलों की पुष्टि हुई है। पाकिस्तान को लेकर एक और बड़ी खबर है कि पाक सरकार अल्पसंख्यकों के साथ कर रही है भेदभाव, भूख से मरने को मजबूर हैं हिंदू और ईसाई।
पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में रह रहे अल्पसंख्यकों को पाकिस्तान सरकार ने घरों में बंद कर दिया है और इस दौरान न तो उन्हें खाने पीने के लिए राशन दिया जा रहा है और न ही उन्हें खाने पीने की जरूरी चीजें मुहैया कराई जा रही हैं। पाक में रह रहे हिंदू, ईसाई और सिख धर्म को मानने वाले लोग जब भी इन राशन की दुकानों पर जाते हैं तो उन्हें वापस लौटा दिया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना वायरस के चलते अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान में रहने वाले एक हिंदू ने कहा कि हमारे साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, हमें कोई मदद नहीं दी जाती है। जब हम राशन की दुकानों पर जाते हैं तो अल्पसंख्यक होने के नाते हमें वापस भेज दिया जाता है। हिंदू हो या ईसाई, सभी अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। पाकिस्तान के कराची में रहने वाली ईसाई परिवार की किरण ने कहा है कि हम ईसाई हैं, इसलिए हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। हमारे सारे कारोबार ठप हैं। हम बहुत मुसीबत में हैं। पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों में बड़ी संख्या में हिंदू, सिख और ईसाई धर्म मानने वाले लोग रहते हैं। जब भी ये अल्पसंख्यक पाक अधिकारियों के पास जाते हैं तो इन्हें ये कहा जाता है कि अल्पसंख्यक होने के नाते कोई मदद नहीं दी जाएगी। इनमें से कई परिवार बेहद गरीब हैं और घर में बंद होने की वजह से इनके सामने आर्थिक संकट छाया हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, कहा अगले दो हफ्ते बहुत दर्दनाक होने वाले हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में फैले कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर लोगों को आगाह करते हुए कहा कि आने वाले दो सप्ताह अमेरिका के लिए बेहद मुश्किल होंगे। ट्रंप का यह बयान कोरोना वायरस के लिए बने कार्यबल के एक सदस्य डेबोरा ब्रिक्स के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका में 30 अप्रैल तक सामाजिक दूरी बनाए रखने सहित कई उपाय किए जाने के बावजूद मरने वालों की संख्या 1 से 2 लाख तक पहुंच सकती है। ब्रिक्स ने कहा था कि अगर कोई कदम नहीं उठाया गया तो 1.5 से 2 लाख लोगों तक की जान जा सकती है। इसी के साथ में एक और बड़ी खबर है कि कोरोना से हार गया दुनिया का सबसे ताकतवर देश, अब तक 3,000 की मौत, लाखों पीड़ित। पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका इन दिनों कोरोना वायरस से जूझ रहा है। वहां पर कोरोना वायरस संक्रमण के चलते 3,000 से अधिक मौतों के साथ ही संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 1,63,000 के पार पहुंच गई है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग CSSE ने इस बात की जानकारी दी। भारत में लॉकडाउन का पालन जरूरी, यूरोप में 59,000 लोगों की बची जान। चीन के वुहान से शुरू होने वाला कोरोना वायरस यूरोप में तबाही मचा रहा है। वहां इटली, स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के संक्रमण का शिकार हो रहा है। उधर ब्रिटेन के विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना से इतनी मौत होने के बावजूद जबरदस्त लॉकडाउन के कारण यूरोप में करीब 59,000 लोगों की जान बचाई जा सकी है। अगर लॉकडाउन समय पर नहीं होता तो मौत का आंकड़ा और बड़ा होता। यूरोप के 11 देशों में समय पर होने वाली लॉकडाउन जैसी कार्रवाई से 31 मार्च तक एक अनुमान के मुताबिक 59,000 लोगों की जान बचाई जा सकी। अगर ऐसी कार्रवाई समय पर नहीं होती तो मौत का आंकड़ा और बड़ा हो सकता था। वहीं भारत की बात करें तो जानकारों का कहना है कि भारत ने 21 दिन का लॉकडाउन सही समय पर लिया है ताकि भारत में वायरस फैलने को ज्यादा समय न मिल सके। सोने के रेट में बदलाव, जाने 10 ग्राम गोल्ड की आज क्या है कीमत। सोने के रेट में बुधवार को भी गिरावट देखने को मिल रही है। नए वित्त वर्ष के पहले दिन यानी 1 अप्रैल को सोना 50 रुपये कमजोर होकर 43,123 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला। शाम का यह 301 रुपये उछलकर 43,474 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं चांदी भी 50 रुपये प्रति किलो मजबूत हुई। मंगलवार को 10 ग्राम सोना 703 रुपये फिसलकर 4,43,173 रुपये पर आ गया, जबकि चांदी भी 411 रुपये प्रति किलोग्राम टूट गई। अमेरिका में मास्क की कमी, ट्रंप बोले स्कार्फ बांधकर चलाएं काम। कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद अमेरिका में मास्क की कमी बताई जा रही है। इसके उपाय के तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि लोग स्कार्फ बांधकर काम चलाएं। मंगलवार को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप बोले, अगर आप कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर चिंतित हैं तो फिलहाल स्कार्फ बांधकर काम चलाएं। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ट्रंप बोले, जहां तक मास्क की बात है, आप मास्क खरीद सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ज्यादातर लोगों के पास स्कार्फ है। स्कार्फ काफी अच्छे होते हैं। इसका इस्तेमाल संक्रमण से बचने के लिए किया जा सकता है। हम बस थोड़े वक्त के लिए ऐसा करने को कह रहे हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में 7 लोगों की मौत, CISF के 5 जवान भी कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस कहर बरपा रहा है, यहां पर मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। कोरोना वायरस की चपेट में अब CISF के 5 जवान भी आ गए हैं।
पांचों जवानों का टेस्ट पॉजिटिव आया है। इससे पहले मुंबई के सीएसटी रेलवे पुलिस स्टेशन का एक कांस्टेबल भी कोरोना से संक्रमित मिला। रेलवे पुलिस के इस कांस्टेबल को 30 मार्च को कल्याण के रुक्मणी बाई हॉस्पिटल से कस्तूरबा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसका कोरोना टेस्ट किया गया था। अब उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ गया है। बता दें कि महाराष्ट्र में हर रोज कोरोना के मरीजों में इजाफा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहां पर मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। बुधवार को ही 7 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। इसमें से 5 मौत मुंबई में ही हुई है। देश में पहली बार 24 घंटे में मिले 437 केस, मौत का आंकड़ा 41 तक पहुंचा। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए समूचे देश में अभियान तेज करते हुए विभिन्न राज्यों में प्रशासन ने निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के आयोजन में शिरकत करने वाले 6000 से ज्यादा लोगों की पहचान की। देश भर में बुधवार को 437 नए मामलों के साथ संक्रमित लोगों की संख्या 1900 के करीब पहुंच गई है और अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है। जमात में हिस्सा लेने वाले 5000 से ज्यादा लोगों को पृथक तौर पर रखा गया है। इनमें से कुछ लोगों को राज्यों के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती किया गया है। इसके साथ ही गुजरात, तमिलनाडु और तेलंगाना सहित अन्य जगहों पर 2000 अन्य लोगों का पता लगाया जा रहा है। इस सूची में विदेशी भी शामिल हैं, जबकि राज्य के अधिकारियों ने ऐसे कुछ लोगों की पहचान की है जो दिल्ली से अपने अपने गृह नगर नहीं लौटे हैं। प्रशासन का कहना है कि मामलों में इतनी बढ़ोतरी तबलीगी जमात के कारण हुई है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली उन जगहों में शामिल हैं जहां बड़ी संख्या में नए मामलों का पता चला है। दिल्ली में अधिकारियों ने बताया कि कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 152 हो गए हैं, जिनमें 53 वो लोग हैं जो निजामुद्दीन के आयोजन में शामिल हुए थे। महाराष्ट्र में बुधवार को यह संख्या 33 से बढ़कर 335 हो गई, जिनमें अकेले मुंबई के 30 मामले शामिल हैं। संख्या में इजाफा होने की आशंका है, क्योंकि पृथक रह रहे करीब 5000 लोग उच्च जोखिम की श्रेणी में आते हैं, राज्य सरकार ने यह जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने बुधवार को राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के आयोजन में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों के संपर्कों का पता लगाने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने को कहा। सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों एवं DGP के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने तबलीगी जमात के कार्यक्रम में भाग लेने वाले विदेशियों पर वीजा शर्तों का उल्लंघन करने के लिए कार्रवाई करने को भी कहा।